हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ फायरबोल्ट की इन्फिनिटी। सारे के सारे इश्यूज रिजॉल्व करेंगे इसके हम। इसकी वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन सकती है मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं पहले तो, और यहाँ पे 4 GB इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाती है। और मेरे ख्याल से मैं जान रहा हूँ आपके क्या क्या इशूज़ हैं। सबसे पहला इशू तो ये होगा, क्या हम बर्ड्स के साथ पेयर करके वॉच से कॉल उठा के बर्ड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं, है ना। ये सबसे पहला इशू होगा। दूसरा ये इशू होगा, क्या हम पर्टिकुलरली बर्ड्स को इस वॉच के साथ पेयर करके ऑफलाइन हम सॉन्ग्स को सुन सकते हैं, ये भी मैं जान रहा हूँ। तीसरा ये इशू होगा कि मतलब क्या हम वॉच के साथ जब बर्ड्स को पेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी फोन पे, वो भी मैं चेक कर लूँगा। तो गाइस, मैं जानता हूँ आपके सारे के सारे इश्यूज और वेदर अपडेट्स या जो भी है, मतलब इसमें कितने कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो, सारे के सारे इश्यूज हम लेने वाले हैं वैसे। और चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। इस तरीके के इशू रिजॉल्विंग वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको ये वॉच मिलती है तो आपको इनविंसिबल प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है फायरबोल्ट की, देन ओनली यहाँ पे वर्क करेगी। तो इनविंसिबल प्लस मैंने इंस्टॉल कर रखी है यहाँ पे ऑलरेडी, और यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। आपके आपके लिए मैंने दोबारा मतलब इस एप्लीकेशन को वो किया है, एग्री करना है यहाँ पे। और यहाँ पे दो चीज़ें ऑन कर देनी है, ब्लूटूथ और लोकेशन सर्विसेज, ठीक है। देन ओनली ये कनेक्ट होगी, नहीं तो कनेक्ट नहीं होगी, ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने ऑन कर दी है, और देखते हैं यहाँ पे, पहले मेरे दूसरे फ़ोन के साथ कनेक्टेड थी ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये कनेक्ट होती कि नहीं होती। यहाँ पे सर्च करते हैं, अलाओ, यहाँ पे सर्च हो रही है, फायरबोल्ट 96 आ चुकी है, यस यही वाली है, श्योर करते हैं। और यहाँ पे आ जानी चाहिए, कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टेड है। अब ये क्या हो रहा है, ओके ओके, सिंक्रोनाइज हो रही है बेसिकली ये, ठीक है। तो गाइस फाइनली ये हो चुकी है, एग्री करते हैं, अलाउ। और यहाँ पे कॉलिंग का भी आ गया है तो पेयर कर देते हैं। तो गाइस डायरेक्टली ये कॉलिंग वाला फीचर भी यहाँ पे आपका आ जाता है, और यहाँ पे कॉलिंग वाला कनेक्ट हो चुका है, देखो अलाउ कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हमको टैप करना है, डिसकनेक्टेड हो चुका है गाइस, देखते हैं यहाँ पे डिसकनेक्ट क्यों हुआ है। यहाँ पे हम चलते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ऑडियो प्रोफाइल आपका है ना, तो फोन मोड पे रखना है आपको, तो फोन मोड पे तो है ही हमारा, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इस वॉच में कि जब आप कॉल वाला कनेक्ट करोगे तो आपका लोकल मोड पे नहीं होना चाहिए, फोन मोड पे होना चाहिए, ना ही TWS पे ना ही लोकल मोड पे। TWS और लोकल मोड पे काम नहीं करेगा आपका कॉल वाला, ठीक है। अभी फिलहाल तो डिसकनेक्ट हो चुका है, हम चेक करते हैं यहाँ पे, अभी फिलहाल तो डिसकनेक्ट हो चुका है, हम चेक करते हैं यहाँ पे कॉल लगेगी कि नहीं लगेगी। यहाँ पे नहीं लग रही है, लग रही है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो नहीं, आई डोंट नो यहाँ पे ये क्या हुआ है, आवाज़ इसमें आ रही है, बट ओके ओके, मुझे लग रहा है कि एक बार रीसेट करना पड़ेगा इस वॉच को, क्योंकि ऑलरेडी ये फ़ोन के साथ कनेक्टेड है ना दूसरे, तभी मतलब मुझे लग रहा है कि ये प्रॉपरली काम नहीं कर रही है सही से। एक काम करते हैं, दोबारा चेक करते हैं एक बार, यस कॉल लग रही है, इसमें शो नहीं कर रहा है, तो वो इशू है मेरे ख्याल से दूसरे फ़ोन में ही, मेरे ब्लूटूथ ऑन होगा, उसको मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ यहाँ पे, मेरे दूसरे फ़ोन में तो ऑन नहीं है यहाँ पे ब्लूटूथ। तो यहाँ पे रीसेट करने के लिए आपको सिस्टम मेन्यू पे जाना है और यहाँ पे रीसेट कर देना है यहाँ पे जाके, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे रीसेट हो चुकी है, ठीक है। तो ये गलती आप मत करना, एक बार रीसेट कर देना, देन ओनली पेयर करना, ठीक है। जब आपको शुरू में मिलेगी तो इस तरीके से मिलेगी, लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ चुकी है ऑन, ठीक है, और ये कनेक्ट हो चुकी है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब कॉलिंग वाला फीचर यहाँ पे अभी कनेक्टेड नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे ब्लूटूथ मेन्यू में अभी आया नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या, ओके आ चुका है, देखो अभी हमारा कॉलिंग वाला फीचर भी कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करी कि नहीं कर रही है, क्या अभी भी वो ग्लिच है, 198, यस अब अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो एक बार रीसेट कर लेना, क्योंकि मैंने दूसरे फ़ोन के साथ पेयर करी थी ना, इसीलिए वो इशू था, अब तो प्रॉपरली वर्क कर रही है, ठीक है। अब एप्लीकेशन पर चलते हैं, एप्लीकेशन पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे वॉच फेसेस बहुत सारे मिलते हैं, वैसे भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वॉच में आपको 100 से ऊपर मिल जाते हैं, मतलब वॉच फेसेस 110 प्लस वॉच फेस मिलते हैं। तो यहाँ पे डायल मैनेजमेंट में वैसे आप जा सकते हो, यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, बिल्ट इन आपको इतने सारे मिल जाते हैं, और एक ही वॉच फेस को चेंज कर सकते हो अपनी पिक का वॉच फेस लगाने के लिए। तो यहाँ पे कस्टम पे चूज़ करते हैं, यहाँ पे टैप करेंगे, और यहाँ पे ऐड बैकग्राउंड पे जाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड कर सकते हो एल्बम में से, तो एल्बम में से मैं चूज़ कर लेता हूँ एक पिक, अलाउ। अब यहाँ पे हम चूज़ करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है एक्चुअली, देखते कितना टाइम लेगा, सारी की सारी फोटोज़ लोड होती है ना, तो इसीलिए टाइम लग जाता है इसमें, ठीक है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे टाइम तो लगेगा ही, ये री पिक, ठीक है, सपोज़ ये वाली पिक है। अब इसको हम ऐसे इधर की साइड करके कंप्लीट कर देते हैं, टाइम हमारा यहाँ पे आ रहा है, टाइम हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, टाइम पोजीशन ये रहा, यहाँ पे जाके आप टाइम पोजीशन चेंज कर सकते हो, सपोज़ मेरे को यहाँ पे नीचे लेके आनी है, टाइम पोजीशन यहाँ पे रखनी है, ठीक है, और दैट्स इट। अब यहाँ पे हम इसको
प्रिजर्व कर देते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल होने लगेगा। बहुत ही फास्ट लग रहा है, देख सकते हो यहाँ पे रैम वैम अच्छी दी गई है मेरे ख्याल से इसमें, तो इस वजह से यहाँ पे अच्छा खासा स्पीड है जब अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप इसमें ट्रांसफर करते हो, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 सेकंड में लग जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल बढ़ा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स कैसे मिलते हैं इसके। जो अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाते हो तो काफ़ी ब्राइट है गाइस, और पिक्सलेट बिल्कुल नहीं हो रही है, मतलब पिक्सलेट बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर मैं एकदम पास से देखूँ नहीं हो रही, क्योंकि पिक्सल साइज अच्छा है इसमें, ठीक है। अब गाइस ये तो हमने चेक कर लिया, वॉच फेस भी आपको इसमें भी एप्लीकेशन में भी बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है। बिल्ट इन है पॉपुलर, अब यहाँ पे जाते हो ना पॉपुलर में, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस एप्लीकेशन में बहुत कम मिलते हैं, वैसे बिल्ट इन आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से 150 वॉच फेस है पूरे मिला के, मुझे लग रहा है सर। अलार्म सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, अलार्म हम एक बार लगा के देख लेते हैं। अब सब कुछ चेक करें तो सब कुछ करेंगे ना चेक, और यहाँ पे 17-12 हो रहा है, इसमें भी 17-12 हो रहा है ना, हाँ तो 17-13 का लगाते हैं, नहीं 17-14 का लगाते हैं, 17-13 का लगा के क्या करेंगे, 17-15 का लगा लेते हैं, ठीक है। रिपीट मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो श्योर कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे बजेगा कि नहीं बजेगा, तो यहाँ पे 17-13 का एवरीडे अभी बजेगा, ठीक है इसमें। अब मैं आपको वैसे बता दूँ, इसमें जो अलार्म जो बजेगा ना, देखो वाइब्रेट होगा, यहाँ पे रिंग नहीं बजती है, देखो बज रहा है, तो यहाँ पे वाइब्रेट होगा, दैट्स इट, ठीक है। ये भी ठीक है, बट रिंग होता तो और मज़ा आता है। यहाँ पे सैनिटरी रिमाइंडर मिल जाता है, उसके बाद ड्रिंक वाटर रिमाइंडर का ऑप्शन तो है ही, डू नॉट डिस्टर्ब कॉल मोड मिल जाता है, यूनिट सेटिंग है, स्क्रीन सेवर है। अब इसमें जो वेदर अपडेट्स है वो चेक करते हैं, यहाँ पे कैसे शो करता है वेदर अपडेट्स, ये रहा वेदर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा वैसे भी आपके वेदर इसमें, अगर नहीं ले रहा तो आप एक बार रीसेट करके देख लीजिए एक बार। डू नॉट डिस्टर्ब मोड में जाते हैं, स्क्रीन सेवर टाइम, यहाँ पे टाइम ऑलवेज ब्राइट पे भी कर सकते हो, यहाँ पे 60 सेकंड का मैक्सिमम भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस्ट टू वे काम नहीं करेगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैसेज पुश वाला जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपको जाना है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन एक्सेस में ना आपको इसको अलाउ कर देना है, देन ओनली यहाँ पे काम करेगा, मैसेज नोटिफिकेशन सारे के सारे वॉच में आएंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो, जितने भी पर्टिकुलरली आप ऑन करना चाहते हो, सारे के सारे जो सोशल मीडिया के हैं आपके नोटिफिकेशन, वो आप ऑन कर सकते हो, ठीक है, कॉलिंग वॉलिंग वाला सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कर सकते हो, और उसी के साथ साथ 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटर भी चूज़ कर सकते हो, इसमें ज़्यादा बैटरी जाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। टर्न ऑन रिस्ट टू वेक ब्राइटन द स्क्रीन, तो यहाँ पे रिस्ट टू वेक यहाँ पे ऑन ऑफ भी कर सकते हो, रिस्ट टू वेक ऑफ करना है तो आपको वो भी कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखोगे तो रिस्ट टू वेक ऑफ कर दो, तो ज़्यादा मतलब बैटरी चलेगी आपकी। फोटोग्राफ तो यहाँ पे एज अ शटर स्पीकर तरह यूज़ कर सकते हो इसको, देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पिक ले लेता है, सेव कर लेता तुरंत ही। और यहाँ पे फाइंड वॉच का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे वॉच वाइब्रेट होनी स्टार्ट हो जाती है बट यहाँ पे रिंग नहीं होती है। रीसेट का ऑप्शन मिलता है, फर्मवेयर अपडेट, तो यहाँ पे ऑलरेडी अप टू डेट है, तो फिलहाल तो अभी तो नहीं होगा। तो गाइज ये तो सारी की सारी इसकी चीज़ें हो गई, हमने चेक कर लिया टू जेड। अब जो मेन चीज़ है, बहुत सारे लोगों को चाहिए जानना ये कि यहाँ पे ऑडियो प्रोफाइल, मैं आपको सीरियसली बता दूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम ऑडियो सुन के देखते हैं, मतलब वॉच में आपका ऑडियो प्रोफाइल ऑफ करने के बाद भी काम करेगा कि नहीं करेगा, कॉलिंग वाला फीचर, या देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है। यहाँ पे हम म्यूज़िक पे चलते हैं, तो यहाँ पे प्ले पॉज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब तो ये हो गया, अब सेटिंग में अगर हम चले यहाँ पे, तो सेटिंग में जाके अगर सपोज आप इसमें ऑडियो प्रोफाइल ऑफ भी कर दोगे ना, यहाँ पे ये रही ऑडियो प्रोफाइल मीडिया ऑडियो, उसके बावजूद भी यहाँ पे आपका जो कॉल है वो लगेगा। यस, इसमें ये चीज़ अच्छी है कि मतलब उसके बावजूद भी कॉल लगता है आपका, ठीक है, तो प्रॉपरली यहाँ पे वर्क करता है। देखो यहाँ पे कॉल लग गई है, तो मैन्युअली आप ऑफ भी कर सकते हो। अब ये तो होगी सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक ट्विस्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। सपोज जैसे कि आपका अगर ये ऑडियो प्रोफाइल यहाँ से अगर फ़ोन मोड पे नहीं है, लोकल मोड पे है, तो आपका ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। देखो देखो यहाँ पे अब कॉल नहीं लगेगा आपका, मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये यहाँ पे कॉल वाला ऑप्शन ही गायब हो गया, ठीक है। जैसे ही बट मैं यहाँ पे इसको ऑडियो प्रोफाइल पे लाता हूँ, यहाँ पे इधर की साइड से फ़ोन मोड पे, तो ये पर्टिकुलरली वापस से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, वापस से आपका डायल पैड आ गया, तो यहाँ पे इंस्टेंट कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लूटूथ 4.0 है जो सेकंड प्रोफाइल इसमें यूज़ करी गई है, तो ये कनेक्टिविटी इन्हेंस कर देता है, ठीक है। अब हाँ, कॉलिंग पे क्या क्या आता है मैं चेक कराता हूँ आपको, और कॉन्टैक्ट कितने सेव कर सकते हो, आप सारे के सारे कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन वाले इसमें सिंक्रोनाइज कर सकते हो, ठीक है, दैट्स इट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कॉल करता हूँ दूसरे फ़ोन से, ठीक है, और तो यहाँ पे नाम आ रहा है, नाम थोड़ा लेट आ रहा है बट पहले नंबर आया था एक्चुअली, फिर उसके बाद आ रहा है, तो यहाँ पे म्यूट करके देखते हैं, नहीं हो रहा है म्यूट, वॉच म्यूट हो रही है बस वो नहीं हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से कट कर सकते हो प्रॉपरली, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये आपका काम हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या मतलब ऑडियो प्रोफाइल, मतलब जब वॉच से कॉल उठाओगे क्या हम बर्ड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है।
तो गैस हमारे बर्ड्स भी पेयर हैं, देख सकते हो यहाँ पे जेब साउंड बॉम 3, ठीक है, ये कनेक्टेड है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल मिलाते हैं, ठीक है, कॉल मिला के देखते हैं यहाँ पे क्या लगेगी कि कॉल की नहीं लगेगी, मतलब आपके बर्ड्स में ट्रांसफ़र होगी कॉल की नहीं होगी, वो चेक करते हैं। अब यहाँ पे ये आ रही है, ठीक है, और मैं बर्ड्स को कान पे लगा देता हूँ कि बर्ड्स में भी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। नहीं गैस, बर्ड्स में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ आ रही, आ रही है, इनकमिंग कॉल आके एक वो आ रहा है बार बार। अब यहाँ पे सपोज़ मैं उठाता हूँ कॉल को, ठीक है, अब यहाँ पे आवाज़ है मेरे वॉच में, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है बर्ड्स में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ठीक है, बट आप मैन्युअली यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो मेरे ख्याल से। ये जो है आपका, यहाँ पे जाके इसको अगर टैप करके रखते हो होल्ड करके, नहीं हो रहा है वैसे, तो किसी किसी फ़ोन में हो जाता है, किसी किसी में नहीं होता है। LG वाले में ऐसा ऑप्शन नहीं है डायरेक्टली, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है, तो गाइस इसमें ऑप्शन नहीं है। मेरे रेडमी के फ़ोन में आया था, यहाँ पे आप यहीं से स्विच कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पे स्विच करने का ऑप्शन नहीं है, ये मैं ऑफ़ करता हूँ तो डायरेक्टली सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है, तो ये इशू है थोड़ा सा। मेरे इसमें नहीं हो रहा है, आपके में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट फिलहाल यहाँ पे बर्ड्स में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप कॉल को। हाँ मैन्युअली आप कर सकते हो, जब आप कॉल पे रहोगे यहाँ पे जाके इसमें आप चूज़ कर सकते हो प्रोफाइल, ठीक है, ईयर पीस पे रखना है या आपको ब्लूटूथ पे रखना है या आपके ईयरबड पे रखना है, ठीक है, तो पर्टिकुलरली वो कर सकते हो। अब ये तो हो गई हमारी सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, अब एक चीज़ और है, मतलब मैं फ़ोन से डिस्कनेक्ट करता हूँ अपने बर्ड्स को, एक बार हो गया डिस्कनेक्ट, अब इसको हम पेयर करते हैं अपनी वॉच के साथ। तो कैसे करना है आपको, यहाँ पे जाना है ऊपर की साइड और यहाँ पे जाना है। अब मेरा जो ऑडियो वाला है ना, मतलब कॉल वाला ऑप्शन, वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। अब हमको करना पड़ेगा ऑडियो में जाना पड़ेगा, मतलब म्यूज़िक में। अब यहाँ पे इधर की साइड, यहाँ पे TWS मोड में जाना पड़ेगा। वैसे अगर आप इसमें जाते हो लोकल मोड में, बहुत सारी सॉन्ग्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब सपोज मेरे को बर्ड्स में सुनना है तो यहाँ पे जाना है मेरे को, और TWS में जाना है, यहाँ पे डिस्कनेक्टेड है, हमें सर्च करते हैं, हम एक बार यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं और ये इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, सक्सेस हो चुके हैं। अब क्या होगा, आपका वॉच में मतलब बर्ड्स में आएगा सॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन, देखो सुनाई दे रहा है ना आपको, ठीक है, प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है, और ये रहा वॉल्यूम अप डाउन करने का, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करता है। अब यहाँ पे रिंग वाइब्रेशन और म्यूट म्यूट कैसे काम करता है, तो सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं फ़ोन के साथ। कनेक्ट करने के लिए आपको वापस से वही करना है, यहाँ पे फ़ोन मोड पे जाना है और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे ये कॉल वाला जो आइकन है ना, ये थोड़ा सा जल जाएगा आपका इधर की साइड, ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा जब आपका ये कॉल कनेक्टेड होगा। तो फिलहाल आपकी कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, आपके फ़ोन में चेक कर लेना। मैंने एक्चुअली फ़ोन का ब्लूटूथ बंद कर रखा है इसीलिए शायद नहीं हो रहा है कनेक्ट, इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो फ़ोन का मैं जैसे ही ब्लूटूथ ऑन करता हूँ यहाँ पे, ये रहा, तो ये कॉल वाला फीचर अपने आप आ जाना चाहिए वैसे इसमें, ठीक है, ओके कनेक्ट हो चुकी है, ओके करते हैं, बैक करते हैं, ओके करके देखो कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है, तो यही है थोड़ा सा। अब तो गैस यहाँ पे अगर मैं सपोज़ यहाँ पे इसको मैं ऑडियो को ऑफ़ कर देता हूँ तो रिंग नहीं बजेगी इसमें पूरी प्रॉपरली। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर सपोज़ वाइब्रेशन को आपको बंद करना है तो सेटिंग में जाना है, यहाँ पे आपको सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाना है, वाइब्रेशन स्ट्रेंथ, इसको अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो वाइब्रेशन भी बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से तो रिंग नहीं बजना चाहिए, वैसे यहाँ पे ऑफ कर रखा है पूरा, वाइब्रेशन भी बंद कर रखा है। अब हम सपोज़ कॉल करते हैं, ठीक है, कॉल करके देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेट हो रही है, मतलब वाइब्रेट नहीं हो रही है, रिंग बज रही है बस। आई डोंट नो, यहाँ पे रिंग भी नहीं बजनी चाहिए मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने रिंग बंद कर दी थी, बट यहाँ पे वाइब्रेशन टोटली बंद हो चुका है। तो यहाँ पे वाइब्रेट म्यूट का ऑप्शन तो मिल जाता है, बट ये जो साउंड आ रही है इसको कैसे म्यूट करेंगे, इसको कैसे ख़त्म करेंगे, वो मेरे को जानना है एक्चुअली। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे, आई थिंक सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे व्यू मोड है, लैंग्वेज है, पावर है, USB मोड है। वैसे गाइस नहीं बजना चाहिए, यही एक ऑप्शन है मेरे ख्याल से, ये रहा ऑडियो ऑफ करने का, पूरा मैंने ऑफ कर रखा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे रिंग बज रही है। आई डोंट नो, यहाँ पे ये इशू है थोड़ा सा, ये रिजॉल्व करना चाहिए कंपनी को। तो मेरे ख्याल से यही है सारे के सारे जो चीज़ें मैंने आपको चेक करा दी। वैसे तो यहाँ पे सब वर्क कर रहा है, A to Z यहाँ पे काम कर रही है, सही तरीके से काम कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा अपडेट कंपनी लेके आ जाए ना, थोड़ी सी चीज़ें इस पे चेंज कर दे तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलते हो आप सब, ये इशू रिजॉल्विंग वीडियो आप सभी को कैसा लगा? मैंने सारे के सारे इशूज़ रिजॉल्व कर दिए, आपको आपके जो भी क्वेरी रहने वाले हैं यहाँ पे मैंने रिजॉल्व कर दिए हैं। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।